सुप्रीम कोर्ट ने दी परमिशन, गाड़ियों की किस्त नहीं चुकाना पड़ेगा महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उठा सकता है फाइनेंसर। केंद्र के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, हलफनामे के लिए दिया एक हफ्ते का समय। लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिगाड़ा भाजपा का गणित, उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार। जदयू ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 12 प्रत्याशियों को दिया सिंबल। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बिहार में अगली सरकार बनेगी भाजपा और लोजपा की। राजद ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, शिवानंद तिवारी और जगदानंद के बेटे को भी मिला टिकट। राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या, तेजस्वी तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पूर्व सांसद और जदयू के नेता विश्वमोहन मंडल ने ज्वाइन किया राजद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिलाई सदस्यता। राजद कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजद सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व MLC मुलायम सिंह यादव का हुआ निधन। पश्चिमी चंपारण जिले में डाक विभाग और अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, लगभग हजारों आधार कार्ड नदी में तैरते दिखाई दिए। गया जिले में विश्व में कोरोना से मुक्ति को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा का किया गया आयोजन। अरवल जिले में नाथ खरसा के जमुराई जाने वाली सड़क का संपर्क टूटा, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों की सत्ता का गणित बदलेंगे 36 लाख साइलेंट वोटर। शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए गया पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां, मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे तैनात। रांची रेलवे स्टेशन पर RPF ने 14 लड़कियों को किया बरामद, हैदराबाद लेकर जा रहे थे तस्कर। गया जिले का GBM कॉलेज नामांकन के नाम पर छात्राओं से ले रहा मनमाना पैसा, प्रिंसिपल के खिलाफ छात्राओं ने की जमकर नारेबाजी। जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर चुके बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बाबा हरियरनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, बोले इस बार भी मिलेगा बाबा का आशीर्वाद। एम्स के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को किया खारिज, कहा हत्या नहीं आत्महत्या की। IPL 2020 में आज होगा दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला RCB से।